खरगोन पुलिस ने अंतर्राज्यीय महिला चोर गिरोह का खुलासा करके दो महिलाओं को पकड़ा है, जिनसे 7 लाख रुपए के आभूषण बरामद हुए, जबकि गिरोह की एक महिला फरार बताई जा रही है। हम आपको बता दें कि एक महिला ने बड़वा थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि बड़वा शादी में आते समय बस में बैठी कुछ महिलाओं ने उसके बैग से आभूषणों से भरा बैग गायब कर दिया। इस दौरान थाना प्रभारी जगदीश गोयल ने सतर्कता दिखाते हुए सीसीटीवी फुटेज के आधार पर नागपुर से दो महिलाओं को पकड़ा, जिनसे चोरे गए आभूषण बरामद किए। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। बस स्टैंड से सुराना नगर जा रहे थे, इसी बीच बस में भीड़ थी तो खड़े खड़े गए, तो फिर पता नहीं कैसे महिलाओं ने मेरा पर्स में से पर्स निकाल लिया। ज्वेलरी, मेरी सारी ज्वेलरी थी। क्या क्या था उसमें? उसमें हार था, गले का बड़ा हार था, छोटा हार था। कैसे शक हुआ उसमें? फिर आके एकदम पता चला ना कि मेरे पीछे महिलाएं थी और कोई नहीं था, मतलब ऐसा धक्का मुक्की महिलाएं कर रही थी यूँ, तो फिर आके हमने रिपोर्ट दर्ज करवाई। वो ज्वेलरी कहाँ लेके जा रहे थे? सर मैं शादी में आई थी, यही मैंने मायका है बड़वा का। किसकी शादी थी? मेरे बड़े पापा, मेरे भैया के लड़के की। क्या नाम है आपका? मुक्तेश्वरी चौहान। कहाँ से आ रहे थे आप? धामनोस से। धामनोस से बस से बैठे थे? हाँ, धामनोस से यहाँ पे बस आए। महिलाएं कहाँ आपसे टकराई थी? ये यहाँ से बड़वा बस स्टैंड से, हाँ यहाँ सतका ढाबे। दिनांक 5/2/22 को एक महिला ने रिपोर्ट थाने में की थी कि जब वो धामनोस से यहाँ पर आ रही थी बड़वा में आके, उसने जब घर गई बैग चेक किया तो बैग में उसका सोना चांदी के जो सोने के जो जेवर थे करीब 140 ग्राम के थे। इसमें चूड़ियाँ, हार, नथ आदि कुल 140 ग्राम वो नहीं मिला है। इस पर TIC जगदीश गोयल ने बड़वा मुकदमा कायम किया। मुकदमा कायम करने के बाद सब इंस्पेक्टर यादव और मिथुन चौहान को इसमें लगाया और फिर CCTV कैमरों के आधार पर यह ज्ञात हुआ कि नागपुर तरफ की महिलाएं हैं, तो ये दोनों लोग टीमें लेकर अपने वहां गए। वहां जाकर इन्होंने बड़ी मेहनत से उनको पकड़ा। पकड़ने के बाद में सारी चीज़ें बरामद हो गई हैं और दो आरोपी इसमें गिरफ्तार हो गए, एक फरार है। जेवरात की करीब 140 ग्राम है तो वर्तमान में 7 से 8 लाख रुपये की कीमत है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।